दारू चालू है, अब पकड़ाइए, दीजिए, छोड़ दीजिए, चालान कटवा लीजिए। ये शराब चोर का चल रहा है, कानून नहीं ध्यान दे रहा, इसीलिए सगरों तो शराब मिल ही रहा है, चाहेंगे तब पी के आ जाएंगे। शराब बेचाइए रहा है, लोग कहता है कि बंद हो। फाइन देने का मतलब कि बीच करा है तब ना, मतलब कि फाइन देगा, नहीं बिकेगा तो कहाँ से फाइन देगा। सब चीज गलत है भाई, शराब उराब कुछ बंदी नहीं है, सब चीज बिकता है यहाँ, सब ढकोसला है। पीना है 5000 छूट गया तो गलत गलते ना हुआ। अब कहाँ सर पी रहे हैं, डरे तो पी ही नहीं रहे। नहीं ऐसा ही तो नहीं मैम कि छूट जा सकते हैं। सजा दोगे तब तो चलेगा, नहीं तो राइस आदमी क्या करेंगे, उनके लिए पैसा क्या है। वो नहीं बिकना चाहिए और नहीं पीने का होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूँ आपके साथ रश्मि। शराबबंदी कानून में हुए संशोधन को कल नीतीश कैबिनेट की बैठक में मोहर मिल गई है, जहां अब इस कानून पर मोहर लगा दी गई है। यानी अगर अब आप शराब पीते हुए पाए गए तो आपको जेल नहीं होगी, वही नहीं बल्कि जुर्माने की रकम को भी घटा दिया गया है। जो जुर्माना 50,000 तय किया गया था वो अब 2,000 से 5,000 रुपये तय किए गए। यानी अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो केवल जुर्माना देकर आप छूट जाएंगे। इस पर क्या है जनता की राय, आइए हम जानते हैं। ये कोई न्याय नहीं है, ये कोई न्याय नहीं है, ये कोई कानून नहीं है। एक बार पिएगा तो पकड़ा जाएगा, दूसरा बेर छोड़ दिया जाएगा, ये कौन सा कानून है? ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। किया किया सब दिन के लिए पकड़िए और नहीं तो छोड़ दीजिए। आगे क्या, दारू पानी का काम है, छोड़ देना, दारू खोल देना चाहिए और क्या। पॉकेट में 2 से 5 हज़ार रुपया है तो आप दारू पी सकते हैं। हाँ, उतना का तो सख्ती नहीं ना है, 5,000। पुलिस का तो कमीनी बढ़वे करेगी, इसमें तो पकड़ेगी पुलिस कमाईबे करेगा। इसमें दारू तो चालू है, बंद कहाँ है? दारू चालू है, आप पकड़ाइए, दीजिए, छोड़ दीजिए, चालान कटवा लीजिए। हैं तो दारू फिर आया कहाँ से जो हम पी लिए? दारू आया कहाँ से? जब यहाँ बंदी है तो बंदी है, अगला पिया कहीं से पिया, उसे क्या जरूरी है पुलिस वाले को? पुलिस वाला उसको पकड़े जो ला के बेचता है, बड़े बड़े जो वेंडर है दारू माफिया उसको पकड़े, उसको जेल दिया जाए और रखा जाए जितना दिन सरकार रख सकती है। शराब के लिए हम नफरत है, नहीं धड़ल्ले से नहीं मिला, सरकार तरफ से थोड़ी मिल रहा है, ये तो चोर का चल रहा है, ये शराब चोर का चल रहा है, तो इस पर सरकार थोड़ा नहीं ध्यान दे रहे हैं, कानून नहीं ध्यान दे रहा है, इसीलिए। क्या लगता है बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है वो आपके अनुसार सही है या? हाँ सही है, शराबबंदी जो भी लागू है तो सही है सर, पीने वाला के लिए तो गलती है, अब जो नहीं पी रहा है उसके लिए तो सही है। माना था कि छूट जाएगा। शराबबंदी कानून बिहार में लागू सही है कि गलत है? गलत है, चालू हो जाए तो ठीक है, कि चालू हो जाएगा तो ठीक है, सगरों तो शराब मिल ही रहा है, अभी अभी चाहेंगे तो पी के आ जाएंगे। नहीं नियम तो गलत है, शराब बेचाइए रहा है, लोग कहता है कि बंद है, बंद भी नहीं है, शराब लोग बेचता है 4 दिन 5 दिन पर सारा छूट रहा है, उसमें कोई नई बात थोड़े है कि नहीं छूट रहा है, सब लोग छूट ही रहा है। थाने से बेल तो सब दिन तो थाने से, थाना में पेटी के पेटी धैल रहता है, अब आदमी बेचते रहता है वही में से निकाल निकाल के वही। तो क्या लगता है कि अब पहले तो जेल हो जाती थी लेकिन अब थाने से बेल होगा 5,000 रुपये, तो क्या ये सही है? गलत है, तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। बंदी नहीं लगना चाहिए तो पूरा खुल जाए, नहीं तो पूरा बंद हो जाए, तो सील हो जाए, उसको नहीं मिलना चाहिए कहीं, क्योंकि तो आदमी को परेशान ज़्यादा है। नहीं गलत है, गलत बेच अब कह रहे हैं, कहने का मतलब है कि फाइन लगेगा तो बेचवाना ना है, फाइन लगेगा मतलब बेचवाने के लिए बोल रहे हैं, बंदी तो बंदी है और क्या, कहने का मतलब है कि फाइन देने का मतलब कि बीच करा है तब ना मतलब कि फाइन देगा, नहीं बिकेगा तो कहाँ से फाइन देगा। पुलिस की मनमानी बढ़ेगी? हाँ एकदम बढ़ेगी, फाइन लेगा तो मनमानी बढ़ेबे ना करेगा। वो सब चीज़ गलत है भाई, शराब उराब कुछ बंदी नहीं है, सब चीज़ बिकता है यहाँ, सब ढकोसला है, सब चीज़ यहाँ बिक रहा है, शराब बंदी है खाली नाम के, जो चीज़ खोजता है वो चीज़ घर आके पहुँचाता है आदमी जी।
सब फालतू बात है, कोई बोलता है 50,000, कोई बोलता है 5,000, कोई बोलता है एक जेल। दारू पी रहा है कैसे, दारू बिक रहा है तब ना पी रहा है जी। पहले बेचे वाला का पकड़ नहीं रहा है, पिए वाला का पकड़ ले रहा है, कहीं साइड में जाकर 5,000-10,000 उसको टाल के छोड़ देता है। सरकार बहुत बड़ा, सरकार बहुत बड़ा गलती किया है सब करके। हम सच्चाई बोलते हैं, अपना पैर पर कुल्हाड़ी मारा है उन लोग। क्या करना चाहिए, खोल देना चाहिए, नहीं तो साफ है सब दुकानदार के बंद करो डायरेक्ट। शराब सब जगह बिक रहा है, प्रशासन जान रहा है कि शराब बिक रहा है, तो कैसे बिक रहा है भाई बताइए, कौन नहीं जान रहा पब्लिक क्या जी? पता नहीं सरकार को कि शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, खाली झूठे मुर्गा खाली पुलिस घुमा रहा चारों तरफ, कोई सीधा कोई गरीब को पकड़ ले रहा है। अब बस अमीर जो है तो अमीर के तो भाई शराब पहुँच रहा है घर पर, अमीर के लिए शराबबंदी नहीं हुआ है, बात साफ, खाली गरीब परेशान हुआ है। तो उसको पकड़ के 5,000-10,000 आगे जाके ले लेता है, छोड़ देगा उसको, ये भी नियम है। ऐसा भी हम लोग देखते ना जी, कोई कोई बताता है ना ऐसा ऐसा होता है, बस बात बोलते हैं साहब। सरकार जी बहुत बड़ा गलती के, या तो खोल देवे या तो सारा दुकानदार बंद, सारा दुकान के बंद करे, ताकि प्रशासन जान रहा है कि दुकान कहाँ कहाँ है, वहाँ चार को प्रशासन दे एनी टाइम ड्यूटी दे देवे, तो कोई नहीं जाकर पिए। पीना है 5,000 छूट गया तो गलते ना हुआ है, बंद है तो बंद रहना चाहिए और का पूरा छूट दे दे। इससे पुलिस का कमाना भी है, पका पका के छोड़ रहा कर रहा है सर, बिकता है इन्होंने ढूंढ रहा खाता है, अब बिक रहा है जहाँ सगरो पड़ ले, सब मालूम है कि कने कने बिक रहा है, पूरे तो बिक ही रहा है जी, सगर बिक रहा है, मुसारे में जाइए पूरे बिक रहा है, कोई फायदा नहीं। नहीं तो पूरे बंद करे तो पूरा बंद करे, गलत तो है सर, उसको जुर्माना भी नहीं लगना चाहिए, तब शराब आदमी पिएगा नहीं पीबे करेगा सर, अब कहाँ सर पी रहे हैं, डरे तो पी ही नहीं रहे हैं तब। नहीं ऐसा ही तो नहीं मैम कि छूट जा सकते हैं, नहीं वो ऐसा नहीं हो सकता है। शराबबंदी कानून बिहार में जो है ये सही है कि गलत है? गलत है। नहीं सही है मैम, बिल्कुल गलत है। तो फिर डर किस डर, कोई चीज नाम का है ये नहीं है, जिसके पास पैसा है राइस आदमी है क्या करेंगे, पियेंगे मारेंगे झटका और चलो 4,000-5,000 फेंक दो काम खत्म, और क्या, ये गलत चीज़ है। बंद करना तो बिल्कुल बैन करो, नहीं तो उसको सजा दो, 1 साल का 12 महीने 24 महीने का सजा उसको दो, सजा दोगे तब तो चलेगा, नहीं तो राइस आदमी क्या करेंगे, उनके लिए पैसा क्या है। हाँ बिल्कुल सख्ती से लागू कीजिए, नहीं तो बिल्कुल फ्री कर दीजिए, ये बिल्कुल गलत है भाई साहब, अब इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते। हाँ ये तो शुरू कर दीजिए, नहीं तो बिल्कुल बंद कीजिए, इसको सजा दीजिए, ये कोई ये नहीं कि 4,000-5,000 में बेल ले लो ये ले लो, बिल्कुल बंद, ये तो बेकार चीज़ है, ये गरीब के लिए तो दिक्कत है, राइस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं बिकना चाहिए और नहीं पीने का होना चाहिए सर। सरकार अब कल से नया नियम कर दिया है, अब क्या चीज़ हो गया है, क्या चीज़ शराब पीते हुए पकड़े गए जी जी, जुर्माना देके छूट जाएंगे, ये गलत है, जुर्माना मतलब देख करके छूट नहीं सकते हैं, क्या बोले आप बोलिए फिर से। अब आपके पॉकेट में अगर 2,000-5,000 रुपया है, शराब पीजिए जुर्माना दीजिए घर चले जाइए, तो ये तो सही नहीं है, ये तो छूट गए तो सही नहीं है, पैसा के बल पर छूट गए, फिर शराब पिएंगे दूसरा दिन फिर पकड़ाएंगे फिर ये होगा, तो ये सही नहीं है। जनता की मिली जुली राय निकल के सामने आ रही है, जहां कुछ लोग जो है वो आक्रोशित होते हुए भी नजर आए कि आखिर ये कैसा कानून है, वो जनता को ठगने का ये केवल कानून है। बिहार में आज भी धड़ल्ले से शराब बिकते हुए नजर आती है, वहीं महिलाओं का ये भी कहना है कि बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो संशोधन किए गए हैं वो गलत है। अब ऐसे में तो लोग धड़ल्ले से शराब पियेंगे और जुर्माना देकर छूट जाएंगे जिनके पास पैसा है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं इस संशोधन से खुश नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जनता का कहना है कि ये जो संशोधन हुआ है वो कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून को केवल दिखाने का कानून है और केवल दिखावा किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि ये जो संशोधन है ये क्या नया बदलाव लाता है हमारे समाज में। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ,
पटना से कैमरामैन हीरा के साथ रश्मि की रिपोर्ट।